हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डो स्टेप लर्निंग में स्वागत है। देखिए, हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या होता है क्लाइमेट चेंज और इसके सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आयामों को हम इसमें देखेंगे कि इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, या फिर वहाँ की जो रेनफॉल है वो एवरेज 100 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन क्या होता है यदि इसके एवरेज जो रेनफॉल है या टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं, लाइक उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर जो रेनफॉल है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो ये क्या बता रहा है कि हमें जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। सामान्य जो कंडीशन होती है उससे अलग हटके जो जलवायु में या क्लाइमेट में चेंजेस आएगा उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लाइक इसमें अर्थ का अगर सामान्य जो टेम्परेचर है उससे उसमें परिवर्तन आ जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो क्या होगा, हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। लाइक अब आप इस इमेज से समझ सकते हैं, देखिए चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न में अगर चेंजेस आते हैं, या फिर जो टेम्परेचर है और राइजिंग सी लेवल ये हो गया, या डैमेज हो जाता है कोरल रीफ का, या चेंजेस इन प्लांट लाइफ साइकिल, ये सब क्या बता रहे हैं हमें कि क्लाइमेट में चेंजेस हो रहा है। अब हम देखेंगे किन किन कारणों से जो है क्लाइमेट चेंजेस होता है। देखिए इसमें नेचुरल जो है कारण भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, यानी मानव के द्वारा भी जलवायु में परिवर्तन होता है और प्रकृति के द्वारा भी जलवायु में परिवर्तन होता है। लाइक सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस में चेंजेस होना, जिसके वजह से जो सन की रेस की वजह से अर्थ जो हीट होता है, एनर्जी मिलती है, कभी ज़्यादा मिल जाए या कम मिल जाए, या फिर जो हमारा ओशन है उसमें चेंजेस हो जाना और वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, ये हो जाना, ये क्या बता रही है, नेचुरल जो हमारे कारण हैं। फिर है अगर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है क्लाइमेट के चेंज पे वो ह्यूमन एक्टिविटी से पड़ता है, लाइक ड्राइविंग कार, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाना, कोयला जलाना या ऑयल गैस, जब इनको हम एनर्जी का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूजेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रेफ्रिजरेटर होते हैं और स्प्रे बोतल होती हैं, डिओड्रेंट होते हैं लाइक, और एसी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, यानी जितनी भी जो हमने ह्यूमन ने रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं, मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं, ये क्या करते हैं, क्लाइमेट में चेंजेस लाते हैं। अब हम सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। देखिए जो हमारी कृषि होती है वो वाटर और टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, और यदि जो हमारी वाटर है वो कम हो जाता है, या फिर जो हमारी रेनफॉल है वो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, या हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो उसका सीधा इफेक्ट जो है एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। वो कैसे, देखिए मान लीजिए कहीं जो रेनफॉल है वो ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा, जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, या फिर कहीं सूखा पड़ जाएगा तो भी हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। इसका सीधा इफेक्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा, यानी हमारी जो फसल का उत्पादन है उस पर पड़ेगा, जो फसल का उत्पादन नॉर्मली होता था उससे कम हो जाएगा। देखिए इसी तरह जो टेम्परेचर है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ज़्यादा अधिक ठंड पड़ जाएगी तो भी जो है हमारी फसल खराब हो जाएगी, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी जो है फसल खराब हो जाएगी। तो ये सब क्या है, अगर फसल का उत्पादन कम होता है तो इसका सीधा इफेक्ट किसी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी पे पड़ता है, और इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ता है, यानी जो विकासशील देश हैं, क्योंकि पहले से ही उन पे जो फसल को उत्पादन करने के लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं होती हैं, प्रॉपर जो संसाधन चाहिए सिंचाई के वो उपलब्ध नहीं होते हैं, और ऐसे में यदि क्लाइमेट में चेंज होता है या अधिक रेनफॉल हो जाती है, सूखा पड़ जाता है,
तो वहां पे क्या होगा, भुखमरी की स्थिति बन जाएगी, जब फूड का प्रोडक्शन है बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा, जिसके वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है और ज्यादा पुअर हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर देखिए फसल का उत्पादन कम हो रहा है तो क्या होगा, जो फल और सब्जियां मार्केट में मिल रही थी नॉर्मल प्राइस से, वो ज्यादा प्राइस में मिलेंगी। इससे क्या होगा, सीधा इफेक्ट इम्पैक्ट इसका जो वहां पे रह रहे लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जो पुअर पीपल हैं उन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए जो लोग लोअर लैटिट्यूड पे रहते हैं, यानी जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है, गर्म जो रीजन होता है, वहां पर जो अगर क्लाइमेट चेंज होता है उन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही टेम्परेचर ज्यादा है होता है। और अगर जलवायु में क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर और राइस हो जाता है, तो सीधा इफेक्ट उनके फूड प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। लेकिन देखिए इसका उल्टा इफेक्ट टेम्परेट रीजन पे पड़ेगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है कम पाया जाता है, और यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनकी जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसके लिए ये बेनिफिट करेगा। समझ रहे हैं, जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है यानी विकसित देश है वो इससे कम प्रभावित होंगे। और एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो इंडिया है उसकी जो एग्रीकल्चर है वो 75% मॉनसून पे डिपेंड करता है, और यदि जो हमारे मॉनसून पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, अगर देर से रेनफॉल होगा या फिर बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाती है, तो क्या होगा, सीधा इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ेगा और देश की जो इकोनॉमी है वो भी इफेक्ट होगी। इसी के साथ आप देखिए, जो आइलैंड कंट्री होती हैं, यदि सी लेवल इंक्रीज होता है तो उनपे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारी डेमोग्राफी पर क्या पड़ेगा, यानी जो जनसंख्यिकी है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर जो हमारा सी लेवल है यानी जो समुद्र का जल स्तर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या होंगे, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सी लेवल इंक्रीज कर गया है। और इसी तरह से जो लोग डेल्टा के नियर रहते हैं, रिवर डेल्टा के नियर रहते हैं, उनको भी माइग्रेट करना पड़ेगा। या देखिए, लाइक जो हमारा बंगाल का डेल्टा है, अगर सी लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वहां से भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारे फ्लड वाला एरिया हो गया, रिवर का अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो क्या होगा, लोगों को अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसी तरह से देखिए, अगर कहीं सूखा पड़ जाता है तो भी जो फार्मर होंगे उनको फोर्सफुली जो है अर्बन एरिया में रहना पड़ेगा, कोई और काम देखना पड़ेगा। तो इसका सीधा इफेक्ट जो है ह्यूमन जो हमारी डेमोग्राफी है उस पे पड़ेगा। और इसी तरह से जो अगर मान लीजिए जो फार्मर हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं गाँव से और कहीं और एरिया में कर जाते हैं जहाँ पे संसाधन उपलब्ध हो, तो क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो जनसंख्या का जो हमारी असमान वितरण हो जाएगा, यानी कहीं पे जो है ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जो संसाधन है उनके उनको पाने के लिए लोगों के बीच में लड़ाई होंगी, छोटे छोटे एरिया में लोग रहेंगे। आप समझ सकते हैं, खुद रियल लाइफ में आपने ये सब चीजें फेस की हैं। और अगर देखिए, जो फार्मर हैं गांव से माइग्रेट करके आते हैं तो वो अपना जो गांव का जो जीवन है उसको नहीं जी पाएंगे, अपना जो कल्चर है उनको वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, सोशियो इकोनॉमिक जो डायमेंशन है उस पर क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म। अब टूरिज्म पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, मान लीजिए आपने शिमला घूमने जाने का प्लान बनाया है, लेकिन आपको पता चलता है कि इस बार जो शिमला में है स्नोफॉल हुआ ही नहीं है, यानी वहां पे बर्फ पड़ी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपना प्लान कैंसिल कर देंगे ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारी टूरिज्म है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी ले सकते हैं, कहीं अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ आपदा आ गई है कहीं पे, कुछ वहां पे कहीं एरिया में फ्लड आ गई है, या कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो इसका सीधा इफेक्ट जो है टूरिज्म पे पड़ेगा। अब टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ा है तो जो देश की जो इकोनॉमी है उसको भी लॉस होगा। अब ये नोट पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट नहीं है, अलग से नोट है, लिखना जरूरी था आपको समझाने के लिए कि किस तरह से जो हमारी इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार जो केरला में बाढ़ आई थी उसमें जो देश की 31,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ना, ये इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से जो देश को है कमजोर कर रहा है, उसको गरीबी की ओर लेके जा रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इन्हीं सब चीजों में फंसी रह जाएंगी तो अपना विकास कैसे करेंगी।
अब देखिए हिंदी में कुछ फैक्ट है, मैं ये सब चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ। इसमें देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया है कि जो 2030 तक दुनिया का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए IPCC, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाए या फिर पूछ लिया जाए कि ये संस्था का कार्य क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये क्या करती है, जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आंकलन करती है। और इसकी जो स्थापना है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम तथा विश्व मौसम संगठन द्वारा 1988 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है। और अब हम देखेंगे जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके पॉलिटिकल डायमेंशन क्या हैं, यानी इसके राजनीतिक प्रभाव क्या हैं। तो इसमें आप देखिए जो जलवायु होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लाइक अगर कोई देश ज़्यादा जो संसाधन है उनका दोहन कर रहा है, ज़्यादा क्लाइमेट में चेंजेस कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे भी पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी ओवरऑल जो देश है सभी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो सभी देश है इस मुद्दे के ऊपर एकजुट नहीं है। लाइक 2015 में हमारा पेरिस का समझौता हुआ था जिसमें 200 देश शामिल हुए, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई 2017 में तो उसने इस समझौते से अपना आप को बाहर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से जब भी कोई समिट होता है तो इसमें क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं यानी जो विकसित देश होते हैं उन्हें विकासशील देशों की मदद करनी होती है। दोनों देशों के लिए जो है अलग अलग टारगेट रखे जाते हैं। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो जो CFC का एमिशन हो रहा है उसमें जो इंडिया के लिए है उसको कम करने की जो मात्रा है वो कम रखी जाएगी। क्योंकि मान लीजिए इंडिया पे जो है एक डेवलपिंग कंट्री है तो उस पे पहले से ही इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो CFC की जो मात्रा है वो एकदम से बंद कर दे। फिर क्या होगा, अगर एकदम से बंद कर देगा तो क्या होगा, जो विकासशील देश हैं वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे और जो विकसित देश होते हैं उन्हें उनकी हेल्प करनी पड़ती है। लाइक तो इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रहती इस एग्रीमेंट के अंदर तो क्या होता, उसे डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए $3 बिलियन तक जो है खर्चा करना पड़ता। लेकिन आप देखिए जो यूनाइटेड स्टेट है वो फर्स्ट नंबर पे आता है ग्रीन हाउस एमिशन में और सेकंड नंबर पे आता है चाइना। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है सभी कंट्रीज पे होगा, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो। इसी तरह से हम अदर एग्जांपल देखेंगे। देखिए अगर वाटर की कमी हो जाती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाती है तो क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा यानी लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दो देशों के बीच में भी हो सकता है, लाइक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर को लेके, और इसी तरह से दो स्टेट यानी राज्यों के बीच में हो सकता है, लाइक कृष्णा गोदावरी वाटर कॉन्फ्लिक्ट ले सकते हैं हम। तो जब ये वाटर के बीच में, रिवर वाटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करती हैं, ट्रीटी साइन की जाती है यानी संधि साइन की जाती है कि इतना वाटर हम यूज़ करेंगे, इतना वाटर दूसरी कंट्री या दूसरा देश यूज़ करेगा, और या इतना वाटर ये स्टेट यूज़ करेगा या ये वाला स्टेट यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया। इसी तरह से आप पे अगर कोई अदर पॉलिटिकल डायमेंशन का एग्जांपल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं, इसलिए वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।